नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल कृष्णा होम्स में। सो आज जो प्रोजेक्ट आप विजिट करने वाले हैं, ये लोकेटेड है जगतपुरा जयपुर में, VIT रोड पे लोकेटेड है। महिमा पनोरमा से आपको हार्डली 500-700 मीटर ही आगे आना है। SRN स्कूल से थोड़ा सा आगे रहेगा। लोकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी इसकी, काफ़ी कनेक्टेड लोकेशन है। बेसिक नीड्स आप लोगों की काफ़ी नियर बाय आप यहाँ से रहेंगी। सबसे मेन ये जो प्रोजेक्ट है अपना JDA प्लस RERA अप्रूव्ड है। नेशनलाइज से प्राइवेट से आप इजिली आराम से लोन ले सकते हैं। यहाँ टोटल यूनिट्स अपने पास 36 रहेगी, 36 टोटल यूनिट रहेगी। G+6 का टावर ही रहेगा अपना, 6 माले का टावर है। एंड सिंगल फ्लोर पे आपको यहाँ पे हमारे 6 फ्लैट रहेंगे, सिंगल फ्लोर पे 6 फ्लैट यहाँ पे रहेंगे। एंड सबसे मेन यहाँ ये टोटल यूनिट्स हमारे पास सारी 3 BHK की ही रहेगी। साइजेस अगर अपन देखेंगे 3 में, तो हमारे पास स्टार्टिंग आपको 1100 स्क्वायर फीट से लेके और 1310 स्क्वायर फीट तक का हाईएस्ट साइज हमारा यहाँ पे आपको जाएगा। ऑप्शंस आपको सारे 3 BHK के ही यहाँ पे रहेंगे। एंड यहाँ पे अगर आप एमिनिटीज देखेंगे तो 1 लिफ्ट आप लोगों के लिए रहेगी, रूफटॉप पे गार्डन रहेगा, जिम आपको यहाँ पे मिल जाएगी एंड क्लब हाउस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। RERA अप्रूव्ड है अपना प्रोजेक्ट ये। एंड मैंने आपको बताया सिंगल फ्लोर पे हमारे 6 फ्लैट यहाँ पे रहेंगे, आप देख लीजिए। ये हम हमारे लॉबी में आ चुके हैं एंड फिलहाल हमारे यहाँ पे जो सैंपल हमने रेडी किया है वो लगभग 1310 स्क्वायर फीट का सैंपल रहेगा। सो आइए अब चलते हैं इसकी विजिटिंग पे। विजिटिंग पे चलने से पहले, फर्स्ट टाइम अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार अगर आप हमारे चैनल कृष्णा होम्स पे आए, तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। देख लीजिए आप ये जो फ्लैट है, आइए जैसे ही आप फ्लैट में एंटर होते हैं, सबसे पहले आपको ये लिविंग एरिया आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा है लिविंग एरिया हमारा। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं, वेल फर्निश्ड यहाँ पे रहेगा। यहाँ इसका डायमेंशन अप्रॉक्स जाएगा 11x20 का, डायमेंशन बहुत अच्छा है, वेल फर्निश्ड है। सोफाज आप देख रहे हैं काफ़ी स्टैंडर्ड साइज़ के, हमने यहाँ पे सोफा सेट किए हैं, 6 से लेकर 7 सीटर सोफाज हमने यहाँ पे सेट किए हैं। उसके बाद भी अपने पास सर्कुलेशन स्पेस बहुत अच्छा है। लिविंग का डायमेंशन अगर आप देखेंगे 11x20 का है, तो साइज़ बहुत अच्छा है। और आप सबसे मेन यहाँ पे इसका लुक देख लीजिए, लाइक आप हमारा इंटीरियर का काम यहाँ पे देखिएगा। ये जो वॉल आप देख रहे हैं, देखिए थीम के अकॉर्डिंग हमने इसे डिज़ाइन किया है, काफ़ी अच्छे टेक्सचर का वॉलपेपर ये रहेगा। एंड फॉल सीलिंग देखिए आप हमारी यहाँ पे, फॉल सीलिंग भी हमने काफ़ी अट्रैक्टिव फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पे किया है। एंड सबसे मेन जब फ्लैट में पूजा का स्पेस मिल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमने ये प्रॉपर जो आपको स्पेस दिया है, ये एक छोटा मंदिर हमने हमारे अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया है। देखिए यहाँ आपको प्रॉपर स्टोरेज भी हमने दिया है। एंड यहाँ ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, यहाँ आप अपना काफ़ी स्टैंडर्ड साइज की LED अपनी सेट कर सकते हैं। LED पैनल हमारा यहाँ पे हमने सेट किया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड इसी के साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको AC फिटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी। 11x20 का जो स्पेस हमने दिया है, प्रॉपर लिविंग हमने इसे बनाया है। अगर आप चाहें तो सेपरेट करके इसे डाइनिंग एंड लिविंग दोनों में कंबाइन कर सकते हैं, ईजिली आप कर सकते हैं, स्पेस बहुत अच्छा रहेगा। सो आइए किचन भी एक बार आप देख लीजिए। ये रहेगी आपकी ओपन किचन, जो कि कनेक्टेड है अपने लिविंग से। यहाँ इसका डायमेंशन जाएगा अप्रॉक्स 10x10 का, यानी कि 10x10 की आपकी किचन रहेगी। किचन का साइज बहुत अच्छा है, प्रॉपर आप लोगों को स्टोरेज बहुत अच्छा मिला है, ओपन किचन है। आप चाहें तो ये पार्टीशन जो हमने वुडन का यहाँ पे दिया है, इसे थोड़ा सा और आप आगे लेके और इसे पूरा अच्छा, अगर आप ओपन किचन ना रखना चाहें तो सेपरेट भी आप इसे कर सकते हैं अपना, ईजिली आप हो जाएगा। यहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा, UPVC विंडो में टफन ग्लास है तो वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहेगा आपको। यहाँ से स्लाइडिंग रहेंगे, देखिए ये यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को वेंटिलेशन रहेगा। इस साइड सिंक आपको मिल गया है, सिंक का साइज भी काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिला है। एंड प्रॉपर स्टोरेज आपको ऊपर भी मिला है एंड नीचे भी आप देख सकते हैं। कैबिनेट्स आपको काफी अच्छे यहाँ पे मिल गए हैं। फ्लोरिंग अगर आप देखेंगे तो विट्रीफाइड टाइल्स रहेंगे पूरे फ्लैट में। तो आइए अब फर्स्ट बेडरूम देख लेते हैं। अपने लिविंग एरिया से ही अटैच आपका ये फर्स्ट बेडरूम रहेगा, 3 BHK में बना हुआ है ये फ्लैट। एंड यहाँ सबसे पहले आप इसका डायमेंशन देख लीजिए, अप्रॉक्स 10x13 का, यानी कि 10x13 का डायमेंशन है, बहुत अच्छा साइज है। बेड हमने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, उसके बाद भी अपने पास वॉकिंग स्पेस काफ़ी अच्छा रहेगा। रूम का साइज बहुत अच्छा है और यहाँ से प्रॉपर आप लोगों को वेंटिलेशन भी रहेगा, देख लीजिए आप। यहाँ अगर आप देखेंगे तो किचन में भी आपको वेंटिलेशन बहुत अच्छा मिला है। एंड यहाँ ये UPVC विंडो में ग्लासेस जो आपको मिले हैं, ये स्लाइडिंग रहेंगे, देखिए आप इसे ओपन भी कर सकते हैं आराम से, वेंटिलेशन बहुत अच्छा आपको मिला है यहाँ से। एंड इसके अलावा यहाँ आप ये बेड देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हमने यहाँ पे ये बेड लगाया है। एंड बैक का ये जो बैक बोर्ड आप देख रहे हैं, देखिए आपका पूरा कम्फर्ट यहाँ पे रहेगा, क्विल्टिंग हमने यहाँ पे दिया है। एंड AC फिटिंग्स आपको मिल ही रही हैं। प्रॉपर स्टोरेज अगर आप रूम में देखेंगे तो यहाँ इस साइड आपको देखिए
काफी अच्छे स्टैंडर्ड साइज की वो ड्रॉप्स आपको यहाँ पे मिली, प्रॉपर स्टोरेज रहेगा रूम में। एंड लुक आप देख सकते हैं, बेडरूम को लुक भी हमने काफी अच्छा यहाँ पे दिया है। और यहाँ इसी से अटैच आपको ये मिल जाती है बैल्कनी। आइए देखिए, काफी अच्छे साइज की बैल्कनी है ये। ये जो फ्लैट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसके पोजीशन की अगर अपन बात करें तो अप्रॉक्स लगभग आप ये मान के चलिए कि 1.5 से 2 महीने में इसका पोजीशन हम आपको हैंडओवर कर देंगे। यहाँ ये जो बैल्कनी का साइज आपको मिला है काफी अच्छा मिला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी टैब एंड ड्रेन आपको मिल गया है एंड काफी स्ट्रॉन्ग आयरन हमने यहाँ पे ये लगाया है बैल्कनी में, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। सो आइए सेकेंड बेडरूम भी देख लेते हैं। यहाँ किचन के बिल्कुल पास में आपको ये काफी अच्छा स्पेस मिल गया है, यहाँ पे सिंक आपको ये मिल गया है एंड इसी से टच में आपको ये रहेगा कॉमन वॉशरूम। ये गेस्ट वॉशरूम के अकॉर्डिंग रहेगा एंड कॉमन है ये अपना, वो आपको वेंटिलेशन मिला है यहाँ पे एंड फिटिंग्स आपको काफी अच्छे ब्रांड की रहेंगी। काफी अच्छा साइज है वॉशरूम का भी, ये मिल जाता है आपको सेकेंड बेडरूम। ये जो बेडरूम है आप देख रहे हैं सेकेंड बेडरूम रहेगा, अप्रॉक्स 10x13 का यानी कि 10x13 का डायमेंशन है, काफी अच्छा साइज है रूम। आपने जो फर्स्ट बेडरूम देखा उसी के अकॉर्डिंग का ये बेडरूम रहेगा, काफी अच्छा साइज है, प्रॉपर स्पेस अपने पास रहेगा यहाँ पे। आप बैक का ये एरिया देख रहे हैं, ब्लैक ये जो बैक का बोर्ड है ये भी काफी अच्छा, हमने काफी रॉयल लुक बेडरूम ये दे रहा है। एंड यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाती है रूम से ही अटैच बैल्कनी। सो यहाँ ये बैल्कनी का साइज आप देख रहे हैं, काफी अच्छा साइज आपको यहाँ पे बैल्कनी में मिला है, टैब एंड ड्रेन आपको मिल गया है ये। सो ये हमारे सेकंड बेडरूम से अटैच बैल्कनी आपने देखी है, फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच बैल्कनी आपको मिल रही थी। यहाँ इसी से अटैच ये वॉशरूम रहेगा, फिलहाल ये लॉक्ड है बट ये भी आपको काफी अच्छे साइज का वॉशरूम रहेगा, फिटिंग्स काफी अच्छे ब्रांड की रहेगी। एंड यहाँ रूम में आपको स्टोरेज मिल गया, देखिए आप काफी अच्छे साइज की ड्रॉप्स हमने आपको यहाँ पे दी है। एंड ये आपका ड्रेसिंग एरिया रहेगा जो कि काफी अच्छा साइज का आपको ये ड्रेसिंग एरिया मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। सो रूम का साइज भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन रहेगा, यहाँ से बैल्कनी भी मिल गई और इससे आपको बहुत अच्छा वेंटिलेशन भी यहाँ पे रहेगा। सो आइए थर्ड बेडरूम भी देख लेते हैं। तो ये थर्ड बेडरूम रहेगा, अप्रॉक्स 10x13 का डायमेंशन है, 10x13 का साइज रहेगा, काफी अच्छा साइज है रूम का। यहाँ पे भी आपको बैल्कनी मिली है, सबसे अच्छी बात अगर आपने यहाँ पे नोटिस की है तो आपको तीनों बेडरूम से अटैच बैल्कनी मिल रही है और इस बैल्कनी का साइज भी बहुत अच्छा है, 2 वॉशरूम्स आपको मिल रहे हैं, रूम्स के साइज काफी अच्छे रहेंगे अगर आपने देखा हो तो। सभी तीनों बेडरूम्स के डायमेंशन बहुत अच्छे आपको मिले हैं, रेरा अप्रूव्ड ये प्रोजेक्ट है अपना, लोनेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपने ये देखा, ये इसके प्राइस की अगर अपन बात करें तो देखिए वेल फर्निश्ड ये जो फ्लैट अगर आप लेना चाहें बिल्कुल एज इट इज, इसे अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 45 लाख का इसका प्राइस यहाँ पे ये रहेगा हमारा। एंड सामी में अगर आप लेना चाहेंगे तो जो भी प्राइजेस लेस होगी वो हम हमारे यहाँ से हो जाएंगी। आई होप आपको हमारे फ्लैट अच्छा लगा हो, इससे जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेनी है या साइट पे आके इसे विजिट करना है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड बुक कर सकते हैं अपना विजिटिंग स्लॉट। एंड एक बात और, इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब सभी पे आप कृष्णा होम्स को फॉलो कीजिए। सो स्टे हैप्पी स्टे सेफ, जय श्री कृष्णा।